RGG चैनल, नाम बोले तो ऐसे कान बड़े ऐसे होते हैं। हो गया पानी पी के, थोड़ा पानी डालते हैं उसके शरीर पे या धोके लेते है ना। एक तीस इधर रे, आपको मैं आप जो चाहे पी के दिखाने वाली, क्योंकि मुझे कमेंट आया था आप वापस मुझे ये गोमूत्र पी के दिखाओ, तो उसका गोमूत्र हम लिया है इसमें, अभी पकड़ के दिखाओ ना कलर वो देखो कैसा है गोमूत्र का। मग में हमने निकाल के लिया है, अभी आपके सामने ही हम अभी आपको पी के दिखाते हैं। वैसे तो बहुत कड़वा रखता है ऐसे पीने में, फिर भी हमको आदत है क्या करने का, इसलिए हम आपको आपके सामने नजदीक से हम आपको पी के दिखाते हैं। गाय के सामने आओ इधर, फिर पी गाय इसका ही हम गोमूत्र लिया है। इससे पेट की बीमारी, हमारे पेट में दुखता था हमेशा, इसलिए हमने ये चालू किया था। गोमूत्र पीने के बाद बगाय जो भी चारा खाती है ना, वो चारा पूरा जैसे आप सब्जी पकाते हैं, और वो पकाने के बाद जो आर्क तैयार होता है उसका, जो वो आर्क गोमूत्र के निचोड़ में आ जाता है, पूरा निचोड़ उसका रहता है वो सब्जी। हाँ। अलग अलग घास खाती है और वही आर्क वही अपने को गोमूत्र से मिल जाता है, और इसलिए गोमूत्र एक चिकित्सा पद्धति, बातर चिकित्सा पद्धति में से एक चिकित्सा पद्धति है गोमूत्र, इसलिए गोमूत्र गोमूत्र जैसे आपकी एक सभी बीमारी, जैसे कोई जैसे नई बीमारी आने वाली तो जैसे है या होने वाली नहीं नहीं होना चाहिए, जैसे आपको ऐसी बीमारी के लिए भी आप गोमूत्र से बच सकते हैं। उनको कलर देखो कलर कैसा है गोमूत्र का, पानी के जैसे बिल्कुल ही नहीं है, पानी बिल्कुल नहीं मिक्स उसमें गोमूत्र है। तो तीन बार पी के दिखाया और चौथा बार हम वापस आपको पी के दिखाते हैं। वैसे आप तो नहीं पियेंगे क्योंकि उसको सुबह ही पीना पड़ता है, गुनगुने के गुनगुने पानी, थोड़ा गुनगुना पानी, दो चम्मच उसके डाल के उसको पीना चाहिए, आधा गिलास। हाँ, आपकी कुछ भी पेट की बीमारी कुछ भी रहने दो, वो इससे ठीक हो जाएगा। हमारा ठीक हो गया, इससे आपका भी ठीक हो जाएगा। बहुत गुण करे गोमूत्र, कुछ भी हमको खुजली और कुछ भी होने दो।
जो शरीर चर्म रोग वो ठीक हो जाता है ये गोमूत्र से, गाय के गोमूत्र से। कुछ भी आपको कुछ भी परेशानी हो, आप जो लोग मोटे होते हैं उसको पतले होने करेगा तो ये गोमूत्र बहुत गुणकारी, वो पतले हो जाएंगे, वो ढूंढे हो रहेंगे, मोटापा रहेगा ना उनको, वो लोग पतले हो जाते हैं गोमूत्र पीने से। इतना फायदा है इसका, बहुत ही फायदा है। तो चलो हम अभी ये गोमूत्र ऐसे रखते हैं। आप गोमूत्र के बारे में बहुत ही संस्कार की नदियाँ बहा है, बाकी का ये बहुत संस्कार की नदियाँ बहे यहाँ हम डाल देते हैं, बहुत पवित्र है क्योंकि ये अमृत है हमारे लिए, वो अमृत की जगह गिरना चाहिए। जैसे अभी नीम के नीम को डाल दिया भगवान कृष्ण ने, यहाँ हमारे लिए नीम का झाड़ अमृत का पेड़ हमारे लिए भेज दिया है, उसका भी पत्ते खाइए। अमृत है ज्यादा तो ऊपर वो बाजू बीच में भी ठंडा होना चाहिए ना गाय। चलो काली के लिए रही पानी के बच्चा है ना उनके पेट दूध बस निकालो उसका इधर देख। दूसरे गाय के पास जाएंगे हम, ब्लैक गाय के पास, गौली बोल गौली नाम रखा, गौली गाय बोलते हैं, दूध देने वाली ज्यादा रहेंगे नहीं इसलिए गौली रखा उसका। और इसका बारसी बार डाल डाल जल्दी चल।
ऊपर डालो ना ऊपर। अरे पानी नहीं ना, ये बाजू में डालो ना, पानी डालो ना उसके ऊपर और डालो ऊपर ना उसमें पानी, उसको जरा ठंडा होने दो ना, एक ही जगह नहीं डालने का, सब जगह डालने का। ऊपर के बाजू में पानी नीचे जाता है, जैसे जाता रहता है ठंडा हो जाता है। ये दिन में ठंडा होना बहुत जरूरी है, धूप बहुत है। ट्राई करते हैं हम, इसका सर देखो हमारे चैनल को सब्सक्राइब की बहुत जरूरत है अभी। हमारे सब्सक्राइब बहुत जरूरी है, हमको प्लीज सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। हमारा चैनल अभी मोनिटाइज हो जाएगा, सब्सक्राइब के लिए हम कम है हमारे सब्सक्राइब, तो हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा नए लोग रहेंगे तो सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए चैनल को, सब्सक्राइब बहुत जरूरी है। आपके वजह से हम इधर तक आज तक पहुँचे आपने हमको बहुत सपोर्ट किया है, आज तक पहुँचे हैं हम इधर तक, आगे भी आपके बिना नहीं जा सकते, आप हमें उसके लिए आपकी बहुत ज़रूरत है अभी। आप हमको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और सपोर्ट करो, ऐसे सपोर्ट करो अभी तक करते आए हैं, ऐसे हमारे चैनल को सपोर्ट करो। राम कृष्ण हरी, मिलते हैं वीडियो में, राम कृष्ण हरी।